नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे जो पिछले 8 वीडियो हैं, उन 8 वीडियो में पहली 8 राशियों के बारे में मैंने जो वर्ष फल है वो बताया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले धनु राशि की, कि धनु राशि के जो लोग हैं, उनका जो ये साल है वो कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष कार्य में के सिलसिले में देश देशांतर के भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। यानी जो लोगों की धनु राशि है, उन लोगों को इस बार काम धंधे के सिलसिले में देश से बाहर या देश में कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। नौकरी में पदोन्नति एवं स्थानांतरण से आप अपने विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप आपका ट्रांसफ़र के थ्रू आपका प्रमोशन हो जाए, यानी कि आपका ऐसा कोई संयोग बने कि आपका जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पदोन्नति मिलकर यानी प्रमोशन मिलकर वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए। व्यापार में पुरानी देनदारियाँ निपटाने का प्रयास सफल होगा, यानी जो आपको पुराना कुछ कर्ज देना है वो भी इस बार आप चुका पाएंगे उसको। कानूनी विवादों में इस वर्ष सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्तराधिकार में धन संपत्ति मिल सकती है, यानी आपका हो सकता है कि आपकी जो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी कुछ चीज़ें हैं, तो उससे आपको धन संपत्ति वहाँ पे मिल सकती है। इस वर्ष संपत्ति के निर्माण या नवीनीकरण पर बड़े खर्च होंगे, यानी कि हो सकता है आपको घर का रिनोवेशन करवाना, इस प्रकार की कोई बात करना है, तो उसमें धन खर्च आपका होगा। आपकी घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी। जमा धन निकाल कर व्यय करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी जो जमा पूंजी है उसको आप खर्च कर दें। व्यापार क्षेत्र में कुछ समस्याओं के कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है। मांगलिक कार्य एवं विलासितापूर्ण साधनों पर व्यय बढ़ेगा। इस वर्ष लीवर, अपच, गैस के कारण कष्ट की संभावना है, यानी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस साल। पैर की पीड़ा, जोड़ों का दर्द आपको कष्ट दे सकता है। एक से अधिक बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी संभव हो सकता है। आपका इस वर्ष साल में 2 बार या उससे अधिक बार आपका किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आपके काम में हो सके। इस वर्ष अधिक परिश्रम से अपेक्षित सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा का भी योग है। वर्षांत में अधिकारी वर्ग से तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। इस कारण आपको प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष सफलता के संकेत हैं। दुर्गा जी की आराधना करना एवं पक्षियों को दाना चुगाना, फलदार वृक्ष का लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।